चैप्टर 20 संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम्। चैप्टर 20 पार्ट 1 एंड आल्सो दिस इज रिवीजन। द चैप्टर्स नेम इज संस्कृत संस्कृत भाषा की जो विशेषताएं हैं, मतलब व्हाट इज द वैशिष्ट्यम मींस, वैशिष्ट्यम मींस स्पेशलिटी, जो उनकी विशेषताएं हैं उसके बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। यू नो द संस्कृत इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ दिस अर्थ। यहाँ पे जो है संस्कृत एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड दैट द नोन एज द देव भाषा। संस्कृत इज ऑल्सो नोन एज देव भाषा। जो देवता लोग जो आपस में बातचीत करते हैं वो संस्कृत में ही करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एंशिएंट लैंग्वेज ऑल्सो, यू कैन से ये बहुत ही प्राचीन भाषा है। शुरू से बहुत दिनों से जो महर्षि ऋषि मुनि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दैट सो दे आर ऑल्सो टॉकिंग इन, एंड नाउ डेज ऑल्सो यू सर्च इन गूगल वन द विलेज इज इन साउथ there, nowadays also people are talking in Sanskrit. I forget the name of that village, but I heard some days ago that nowadays, even अभी इस time में संस्कृत में वार्तालाप कहाँ होती है, सभी लोग the all people are talking between each other in Sanskrit language, and it is in south. South में कोई village है, आपको गूगल में मिल जाएगा, गूगल में देखोगे तो। सो दिस इज वेरी एंशिएंट लैंग्वेज एंड दिस इज नोन एज द देव भाषा, एंड संस्कृत इज वेरी पावरफुल भाषा। यू सर्च एनी टाइप ऑफ वर्ड यू गेट हियर, इफ यू नॉट फाइंड द वर्ड इन अदर लैंग्वेज इन संस्कृत। यहाँ पे जो है हर शब्द हर बात के लिए जो है अलग अलग वर्ड है। यू परचेज अ डिक्शनरी एंड देन सी, सभी चीज के सभी के यहाँ पे वर्ड मिल जाएंगे। एंड वन टाइम इट इज डिसाइडेड दैट द फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज नासा में ये डिसाइड किया गया था नासा के द्वारा, कि ये जो है सारे वैज्ञानिकों ने ये सर्च किया और बोला कि इसे हम लोग कंप्यूटर की भाषा बनाएंगे। But not now it is decided fully, पूरी तरह से ये decide नहीं हुआ है। क्यों ऐसा किया गया था? Because कि if you know the word pronunciation like no and no means K N O W, you what you say no, K N O W also you say no and N O W also you say no, so when you speak I know, तो आप क्या वहाँ पे जो कंप्यूटर सुनेगा नो वर्ड तो वो एन ओ नो मीनिंग लगाएगा या के एन ओ डब्ल्यू नो मीनिंग लगाएगा, वो तो सुन के लगाता है। दैट्स वाई ये जो है ये बातचीत चल रही थी कि संस्कृत को उसकी भाषा बनाई जाए। संस्कृत में ये बहुत प्राचीन और शुद्ध भाषा है, उसमें बहुत सारे वर्ड हैं और बट ये दिस इज नॉट ये पॉसिबल हुआ, ये नहीं हो पाया क्योंकि अभी संस्कृत के जानकार बहुत कम रह गए हैं। अब जो है आफ्टर कोरोना पीरियड दिस इज ऑल्सो मतलब ये अभी आएगा, इट विल कम इन आवर लाइफ दैट द संस्कृत इज सबको पढ़ना जरूरी हो जाएगा। अभी ऐसा सुन रहे हैं कि अभी ये डिसाइड होगा कि हर क्लास में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी, हर जगह हर विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। देखो आगे क्या होता है। तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट संस्कृत भाषा या वैशिष्ट्य, संस्कृत भाषा की क्या विशेषता है, तो इसमें सारे हैं।
qualities. First, it is an ancient language. I told you of our country. Secondly, it is our cultural national language. ये जो है cultural भी है. आप कोई पूजा पाठ की पुस्तक पढ़ते हो तो वहाँ भी आपको संस्कृत में ही बहुत ही प्राण मिलते हैं. And it is bearer of our Indian's ancient culture and civilization. इसमें इस पुस्तकों को पढ़ने से आपको सारी प्राचीन से प्राचीन जो है बातें और सभी सिविलाइजेशन के बारे में, आपकी सभ्यता के बारे में आपको जानकारी मिलती है. आपकी संस्कृति एंड सभ्यता के विषय में आपको लिखी हुई मिलती है. मोर ओवर, संस्कृत इज द मदर ऑफ नॉट ओनली इंडियन लैंग्वेज बट ऑल्सो ऑफ मेनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज ऑल्सो अ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत से ही सारी भाषाओं का उदय हुआ है. वहीं से जो है ये मिश्रित है. आपने तत्सम एंड तद्भव शब्द पढ़ा होगा, संस्कृत में भी है, हिंदी वगैरह में भी पढ़ा होगा. तो ये संस्कृत से ही लिए गए हैं. इंग्लिश के भी कुछ वर्ड मिलेंगे आपको, हिंदी के भी, हिंदी में भी मिलेंगे, लैटिन में मिलेंगे, बांग्ला में मिलेंगे. तो सब में जो है संस्कृत से कुछ ना कुछ वर्ड लिए गए हैं. द सेम ऑफ संस्कृत इज यूनिवर्सल. द फेम ऑफ संस्कृत इज यूनिवर्सल मीन्स द फेम की ख्याति जो है ऑल पर्सन नो इन ऑल ओवर वर्ल्ड. एंड आप देखते होंगे कि देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं पढ़ाई करने, PhD करने, शोध करने. बट इट इज़ नो लॉन्गर द लैंग्वेज ऑफ एवरी डे यूज एज इट वंस वाज इन द पास्ट. हेंस पीपल आर नॉट एबल टू फील अ सेंस ऑफ ओननेस विद द लैंग्वेज. मैनकाइंड शुड कम टू नो द ग्रेटनेस ऑफ संस्कृत. In this lesson, an attempt has been made to move in that direction. A beginning is being made here to explain the special features of Sanskrit, the ability the language has for expression and the version, the various alternatives that exist for this expression. ये आप पढ़ोगे तो इसके बारे में थोड़ी सी लिखी हुई है बात है. Let's start from here. वयम जानीमः. जानीमः कहाँ से आया? कि नो, वी ऑल नो, हम लोग जानते हैं, हम लोगों के द्वारा जाना जाता है. वयम जानीमः. एमोंग द एयर लैंग्वेज, यद संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते. हम लोग ऑल, वी ऑल आर नो दैट द संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. अमंग द ऑल लैंग्वेजेस संस्कृत इज वेरी ओल्ड. लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, संस्कृत जो है सबसे पुरानी भाषा है और ये जननी है. अथ च संसारे या भाषा सन्ति तासु सा प्राचीनतमा भाषा. अथ च संसारे, सो वी सी हियर सो मेनी लैंग्वेज बट संस्कृत इज द मोस्ट एंसेंट लैंग्वेज. अस्या भाषाया अनेक विधम वैशिष्ट्यम अस्ति. दिस लैंग्वेज इज अनेक विधम वैशिष्ट्यम अस्ति, मतलब बहुत सारी विशेषताएं. सो मेनी क्वालिटीज इन दिस लैंग्वेज. अत्र उदाहरण रूपेण किंचित वैशिष्ट्यं प्रदर्शयामः. सो फॉर एग्जांपल वी शो यू सम स्पेशलिटी और सम बेनिफिट्स ऑफ दिस लैंग्वेज हियर. प्रथमं वैशिष्ट्यं रिटन हियर. द प्रथमं वैशिष्ट्यं, द फर्स्ट थिंग इज डिस्टिंग्विश शो यू सम स्पेशलिटी. द प्रथम स्पेशल थिंग इज संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु प्राचीनतमः ग्रन्थः वर्तते ऋग्वेदः. सो इन दिस वर्ल्ड द वर्ल्ड्स एंसेंट एंसेंट बुक इज वी ऑल नो द ऋग्वेदा. ऋग्वेदा इज जो है वेद जो चार प्रकार के हैं उसमें से भी सबसे पहला क्या है? ऋग्वेद. वो सबसे पुराना है. ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जानते हो ना वेद चार प्रकार के हैं. कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद. जैसे जैसे हमने बोला वैसे ही उसकी बारी आई है. तो सबसे पहले क्या है? ऋग्वेद का नाम सबसे पहले
सबसे पहले लिखी गई है ऋग्वेद के बाद सामवेद, फिर अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद। तो अत्र उदाहरण रूपेण प्राचीनतम ग्रंथ वर्तते ऋग्वेद, अयम अपि संस्कृत भाषाया एव ग्रंथ। एंड दिस अयम अपि संस्कृत भाषाया एव ग्रंथ, दिस इज द बुक ऑफ इन संस्कृत लैंग्वेज, दिस इज ओनली इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज का ये बुक है। एवं संसारस्य प्रथमं पुस्तकम् अपि संस्कृतस्य वर्तते, न तु कस्यचित् अन्यस्यां भाषायाः। दस द फर्स्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ संस्कृत। इस प्रकार जो है ये संसार का जो सबसे पहला पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में ही है। दैट्स व्हाई वी नो ना कि जो संस्कृत इज वेरी एंशिएंट एंड प्राचीनतम एंड द प्रथमम द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि जो प्रथम पुस्तक है, जो पहली पुस्तक है अपने संसार की, वो ही संस्कृत में लिखी हुई है। तो संस्कृत ही भाषा थी दैट टाइम ना, इससे साबित हो जाता है। तो कस्यचित् अन्यस्या भाषा, न तो कस्यचित् अन्यस्या ना कि किसी और भाषा में, नॉट ऑफ एनी अदर लैंग्वेज। दस द फर्स्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ संस्कृत ओनली एंड नॉट ऑफ एनी अदर लैंग्वेज, किसी और भाषा में नहीं है, संस्कृत में ऐसी ही है। तो इससे साबित हो गया कि ये बहुत प्राचीन और पहली समय जानने वाली भाषा है। द्वितीय वैशिष्ट्य, संस्कृत भाषाया या वर्णमाला अस्ति, तत्र सह वर्ण क्रम निर्धारित वर्तते, सह वैज्ञानिक तार्किक च अस्ति। छोटा छोटा करके पढ़ो, इतना लंबा हो जाएगा तो आपको हार्ड लगेगा। दैट्स व्हाई देखो, द्वितीय वैशिष्ट्य मतलब सेकेंड स्पेशल थिंग, सेकेंड स्पेशलिटी लॉजिकल थिंग इज हियर कि संस्कृत भाषाया या वर्णमाला अस्ति, इन संस्कृत लैंग्वेज विच अल्फाबेट यू फाइंड, तत्र यह वर्ण क्रम निर्धारित वर्तते, देयर विच अल्फाबेट्स आर डिटरमाइंड, जो निर्धारित है यहाँ पे इज हियर, स वैज्ञानिक तार्किक च अस्ति, दैट ऑल आर वैज्ञानिक तार्किक च अस्ति, दैट ऑल आर जो है बाय साइंटिस्ट, साइंटिफिक रीजन एंड वो साइंटिफिक और लॉजिकल है, जो भी वर्ण क्रम है, दैट द विच वर्ड अल्फाबेट्स यू फाइंड हियर इन संस्कृत लैंग्वेज, द ऑल आर साइंटिफिक एंड लॉजिकल, दैट ऑल अल्फाबेट्स आर हियर इज साइंटिफिक एंड लॉजिकल। सब प्रकृतितः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः यत् उच्चारण तंत्रम प्राप्तम अस्ति, प्रकृतितः बाय नेचर ऑल द ह्यूमन बीइंग हैव गॉट द एबिलिटी, बाय नेचर ऑल द ह्यूमन बीइंग हैव गॉट द एबिलिटी, दैट ऑल आर जो है प्रोनाउंसिएशन द लेटर और इज प्रोनाउंस फर्स्ट। उच्चारण तंत्र से अनुसारणम, अकार से उच्चारण प्रथमं वर्तते, उच्चारण तंत्र के अनुसार द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन द अल्फाबेट्स इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण तंत्र से अनुसारणम मतलब अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ प्रोनाउंसिएशन द लेटर्स आर इज प्रोनाउंस्ड फर्स्ट। वो टेक्निकल ये निर्धारित किया गया है कि अ को पहले प्रोनाउंस किया गया, ऐसे ही नहीं बनाते, वो टेक्निकल भी है, बोल रहे हैं कि अ को पहले उच्चारण माला में शामिल किया, अ आ ई पहले हम लोग पढ़ते हैं, ई को पहले क्यों नहीं पढ़ा, क को पहले पहले ख क्यों नहीं पढ़ा, ख क ऐसे क्यों नहीं पढ़ा, क खुद बोल रहे हैं कि सब टेक्निकल है, साइंटिफिक है सब। सो द लेटर अ इज द फर्स्ट। एवमेव व्यंजन वर्णेषु ककारस्य क्रमः पूर्वं चकारस्य च क्रमः पश्चात् वर्तते, तस्यापि कारणमिदमेव। सो
later. Also, the cowbird came first, and then after the chow, then cowbird. So these all are the same cause. मतलब कि all word or letter are decided by the scientific and logical, scientifically and logically. अन्यासु भाषासु या वर्णमाला सन्ति तत्र एतादृशं तार्किकं वैज्ञानिकश्च क्रमणं मिलति. अन्यासु भाषासु, इन अदर लैंग्वेज, इन अदर लैंग्वेज विच अल्फाबेट्स यू फाइंड, इन अदर लैंग्वेज विच अल्फाबेट्स इज देयर, तत्र एतादृशं तार्किकं वैज्ञानिकश्च क्रमणं मिलति. देयर यू डू नॉट फाइंड दिस साइंटिफिक एंड लॉजिकल ये सीक्वेंस, ऐसे क्रम आपको नहीं मिलेंगे. एंड तृतीयम वैशिष्ट्यम, द थर्ड थिंग इज आचार्य पाणिनिना विरचितम अष्टाध्यायी नामना प्रसिद्धम संस्कृत व्याकरणम मानव मस्तिष्क से सर्वोत्तम कृति वर्तते. ये क्या है? थर्ड वन इज आचार्य पाणिनिना विरचितम, जो पाणिनि है, आचार्य पाणिनि जाने जाते हैं संस्कृत के व्याकरणाचार्य, उनके जो लिखित है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, संस्कृत व्याकरण के मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम कृति है. वो जो है माइंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ऑफ माइंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ दिस वर्ल्ड. एतादृशं व्याकरणम अन्यत्र न उपलभ्यते. सो दिस टाइप ऑफ ग्रामर यू डिडंट फाइंड, यू डू नॉट फाइंड एनीवेयर, ऐसे व्याकरण आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे. एकदम चतुर्थी विशिष्टम क्या है? संस्कृत भाषाया महाभारत नामना प्रसिद्ध एक ग्रंथ वर्तते. एंड आप लोग जानते ही हो महाभारत नाम का जो प्रसिद्ध एक ग्रंथ है, दैट इज आल्सो इन संस्कृत लैंग्वेज. सह लक्ष्य श्लोक परिमिता, लक्ष्य मतलब लाख, उनमें 100,000 श्लोक है. एतादृश विशालकाय ग्रंथ लिखिले अपि संसारे नास्ति. सो this type of use or large granth is not anywhere in this world. Idam api sanskritasya aparam vaisheshyam. So this is also a special thing in Sanskrit language. एक लाख से भी ज्यादा श्लोक जो लिख दिया, ऐसी वैशिष्ट और किसी अन्य भाषा में आपको नहीं मिलेगी. तो दिस इज ऑल्सो अ स्पेशलिटी ना. पंचमं वैशिष्ट्यं, रामायणं नाम सुप्रसिद्धं आदिकाव्यम् अस्ति. आदिकाव्य आप लोग जानते हो, रामायण को कहा जाता है रामायण जो होली ग्रंथ और महाभारत. पुरातने भारतीय अयम ग्रंथ अनेका रूपेषु लिखित, पुरातने भारतीय मतलब बहुत सारे भाषाओं में यह ग्रंथ लिखी गई है. राम भगवान को तो सभी लोग मानते हैं, सभी लोग पूछते हैं, सबने सभी भाषाओं के लोग, क्योंकि वो नर लीला करने भगवान ही आए थे, विष्णु भगवान हैं, और सभी लोग भगवान को पूछते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, साउथ के हों, नॉर्थ के हों, कहीं के भी हों. संप्रति सह नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ, मलयालम, शारदा, इत्यादि डिविजन उत्तर लिखी. संप्रति मतलब नाव डेज दैट रामायण ऑल्सो इन नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ, मलयालम, शारदा इत्यादि मतलब एक्सेट्रा, सो मेनी, इन सो मेनी लैंग्वेज यू फाइंड दैट ग्रंथ. संस्कृत भाषाया एतादृश बहवो ग्रंथा सन्ति, ये प्राचीन कार्यालिकासु लिखित. संस्कृत भाषा में, इन संस्कृत लैंग्वेज, दिस टाइप ऑफ सो मेनी बुक्स आर हियर टू फाइंड दैट रिटन इन संस्कृत. एतादृश उपक्रम अपि संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति. सो ये भी एक संस्कृत की विशेषता है कि बहुत सारे बुक आपको इन भाषाओं में लिखे हुए मिलेंगे. षष्ठम वैशिष्ट्यम, संस्कृत भाषाया पंचतंत्र नामक ग्रंथकाय विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुवादित वर्तते. एंड सिक्स्थ वन स्पेशल थिंग इज व्हाट, कि पंचतंत्र नाम की जो पुस्तक है, जहाँ से बहुत सारी कहानियाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चे की लाइकिंग करते हैं, बड़े लाइकिंग करते हैं, दैट ऑल आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ऑल नो नोन बाई ऑल पर्सन. एतादृशं सौभाग्यम अन्य
अन्यस्य कस्यचित् भाषाया ग्रन्थे अध्यावधि न प्राप्तम्। सो दिस टाइप ऑफ जो है सौभाग्य, मतलब अपना इस तरह की थिंग जो है अन्य भाषाओं को प्राप्त नहीं हुआ है। सप्तम वैशिष्ट्यम संस्कृत साहित्य दस कुमार चरित नामना प्रसिद्धम कथा पुस्तकम वर्तते। दस चरित नामक, दस कुमार चरित नाम का भी जो है ये इसमें लिखे गए हैं। तस्य सप्तमे उच्छ्वासे एकम पात्रम प वर्ग प्रयोग रहिता निवाक्यानि वदति। वहाँ जो है सप्तम चैप्टर में एक पात्र है, कोई कैरेक्टर है जो प वर्ग प्रयोग रहिता निवाक्यानि वदति। उसमें सप्तम चैप्टर में प प्रयोग वर्ण का, प वर्ग का प्रयोग ही नहीं किया गया है। सो वर्णमालाया अमुकान वर्णान विहाय संवादकरण संस्कृति एक संभवति न अन्य। सो इस तरह का जो है दिस टाइप ऑफ श्लोकास, दिस टाइप ऑफ द राइटिंग ऑफ कि जहाँ एक वर्ण को ही छाट दिया जाए, ओनली दिस इज हैपन इन संस्कृत लैंग्वेज। दिस इज पॉसिबल ओनली इन संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि उसके लिए दूसरे वर्ड लिखे गए हैं। वहाँ कभी ना मागे निश्चित सुपाय महाकाव्य नकार से, नकार से च एकमात्र वर्ण से प्रयोग निर्मिता पद्यानी अस्य प्रमाणानि सन्ति। कवि माधुकर के द्वारा जो रचित है शिशुपाल वध, उसमें केवल दकार और नकार वर्ण से ही, दकार और नकार वर्ण से ही ये पद्य इसमें निर्मित है। ये भी इस बात के प्रमाण है कि ये केवल संस्कृत में ही संभव है। एवं संस्कृत से अनेकानि वैशिष्ट्यानि सन्ति। सो दिस टाइप ऑफ सो मेनी स्पेशलिटीज ओनली यू कैन सी इन संस्कृत लैंग्वेज। So near detail, near the chapter, you the make a chapter for you that is Sanskrit Bhashaya Vaishishtyam. तो कितने सारे 6-7 वैशिष्ट जो है इसमें लिखे गए हैं। तो दिस ये सारे वैशिष्ट्यों के बारे में आपको अपने नोटबुक में शामिल करना है।